नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। लखनादून बंडोल के थाना प्रभारी राजेश कुमार दुबे के नेतृत्व में द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2023 की रात्रि करीब 3 बजे गोवंश तस्करों के द्वारा पिकअप वाहन में 11 नग निकाय ठोस ठूस कर क्रूरता पूर्वक भरकर नागपुर कतल खाने के लिए ले जा रहे थे। प्राप्त मुखबिर सूचना पर फिल्टर प्लांट के पास NH44 बंडोल नागपुर रोड पर रेड कार्यवाही में 9 जीवित और 2 मृत गाय फिल्टर प्लांट नंबर 44 बंडोल नागपुर रोड पर महाराष्ट्र पासिंग पिकअप में गोवंश के जब्त किया गया, जिन्हें गौशाला भेजा गया और डॉक्टर द्वारा MLC PM भी कराई जा रही है। गोवंश तस्करों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया जाकर कानूनी कार्यवाही जारी है। उक्त कार्य में सहायक उप निरीक्षक भुजबल प्रजापति, प्रधान आरक्षक नौशाद, आरक्षक सुधीर, आरक्षक प्रदीप एवं आरक्षक राजेश, संयम आरक्षक मार्को की भूमिका एवं 100 डायल स्टॉप का सराहनीय सहयोग रहा। विगत 20 दिन के अंदर बंडोल पुलिस द्वारा गोवंश तस्करों के नेटवर्क में सेन लगाते हुए चौथी गोवंश तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। गोवंश पकड़ने पर बंडोल थाना पुलिस की प्रशंसा की जा रही। राजेश कुमार दुबे थाना प्रभारी बंडोल ने पूर्व में थाना आदिगांव में रहते हुए सिवनी जिले में सर्वाधिक गोवंश तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई पूर्व में भी किए गए थे। नव पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस बल द्वारा जोश और उत्साह के साथ वह गोवंश तस्करों की कमर कार्रवाई कर कमर तोड़ी जा रही है। सर, आपके द्वारा एक माह के अंदर गोवंश तस्करी पे 4 बड़ी कार्रवाई की गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सिवनी पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह जी के मार्गदर्शन में ही ये सभी कार्रवाई की गई थी। साहब का मार्गदर्शन जो था उसके तहत ये रेड कार्रवाई हुई है और इसमें ये सही बात है कि अगर 20 दिनों में 4 बड़ी कार्रवाई दो तस्करों के विरुद्ध हुई और 24/8/2023 की ये दरमियानी रात थी, इसमें भी एक पिकअप वाहन था MP30 BD 1399 जो नागपुर की तरफ जा रहा था, जिसमें 11 गाय क्रूरतापूर्वक भरी हुई थी, उनको भी जब्त किया गया, वाहन को भी जब्त किया गया, 2 गाय उसमें से मृत भी हो गई। तो गोवंश तस्करों के विरुद्ध लगातार जिले में भी सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन सर, जो अवैध गतिविधि करने वाले पर आम जनता का आप संदेश क्या देने चाहते हैं? जो भी अपराध हैं उनके नियंत्रण करना पुलिस का लक्ष्य है और क्षेत्र में जो भी जुआ सट्टा शराब है इसको, अवैध गतिविधियों को रोकना मेरा पहला लक्ष्य है। किसी भी नागरिक के पास अगर कोई सूचना हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे वो सूचना दे सकते हैं। लखनादून से खबर समय जगत के लिए निखिलाल अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।